हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आज की इस वीडियो में मैं आपको सब एनआईडीज़ का एनआरएफ रैंकिंग बताने वाला हूँ 2023 के हिसाब से। तो जैसे कि अभी आप 2024 की काउंसलिंग चालू होने वाली है, जैसे ही आपका जेडब्ल्यू मेंस का रिजल्ट लग जाए उसके बाद आपकी जोसा की काउंसलिंग चालू होने वाली है। तो सभी बच्चों को उस एनआईटीज़ के बारे में जानना रहता है, उसकी रैंकिंग कैसी है। तो जैसे कि मैं आज की ये वीडियो में आपको सारे एनआईटीज़ की रैंकिंग बताने वाला हूँ 2023 की। तो जैसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रख दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एनआईटीज के सारे नाम देख पा रहे होंगे, उसके सामने आप रैंकिंग भी लिखी है। और जैसे कि एनआईटीज, जैसे कि सबसे पहले एनआईटी त्रिची है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1964 में, उसकी एनआरएफ रैंकिंग 9 है। उसके बाद आता है एनआईटी कर्नाटका, जिसकी एनआरएफ रैंकिंग 12 है और वो 1960 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद आता है एनआईटी राउरकेला, जिसकी एनआरएफ रैंकिंग 16 है, उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1961 में। उसके बाद आता है एनआईटी वारंगल, 21 रैंकिंग है उसकी। उसके बाद एनआईटी कैलीकट, उसके बाद एनआईटी नागपुर 41, एनआईटी दुर्गापुर 43, एनआईटी सिलचर 40, एनआईटी जयपुर 37, एनआईटी अलाहाबाद 49, एनआईटी कुरुक्षेत्र 58, एनआईटी जलंधर 46, एनआईटी सूरत 65, एनआईटी मेघालय 72, एनआईटी पटना 41, एनआईटी रायपुर 70, और यहाँ पे है और एनआईटी श्रीनगर 82, एनआईटी भोपाल 80, एनआईटी अगरतला 91, एनआईटी गोवा 90, एनआईटी जमशेदपुर को कोई रैंकिंग नहीं दी गई है, एनआईटी मणिपुर 495, एनआईटी हमीरपुर नॉट अप्लीकेबल, रैंकिंग नहीं दी है इनको 2023 में, एनआईटी उत्तराखंड नॉट अप्लीकेबल, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश को भी नहीं दी है, एनआईटी सिक्किम को भी रैंकिंग नहीं दी है, एनआईटी दिल्ली की 51 है। उसके बाद के सारे एनआईटी मिजोरम, एनआईटी नागालैंड, एनआईटी आंध्र प्रदेश, इनको रैंकिंग नहीं दी है। तो एक ओवरव्यू हो गया आपको कि एनआईटी की रैंकिंग क्या क्या है, कौन से एनआईटी की, तो उसके हिसाब से आप कॉलेजेस फिल्स कर सकते हैं। और अगर और इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए ये कॉलेजेस के बारे में, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके इनका प्लेसमेंट चेक कर सकती है, इनका प्लेसमेंट कितना कितना है। वैसे तो मैंने टॉप 10 एनआईटीज़ के प्लेसमेंट के बारे में ऑलरेडी वीडियो डाल के रखा हो, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।